हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से किसी रेफरेंस फोटो का बिल्कुल परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पे मैं सूर्या राय जी की रेफरेंस फोटो लिया हुआ हूं, जो कि बिल्कुल HD क्वालिटी में है। सो आप वही फोटो लें जो बिल्कुल HD क्वालिटी में हो और जूम करने पे वो फटे नहीं। ये देखिए, जूम करने पे बिल्कुल क्लियर है, तो आपको ड्राइंग बनाने में बिल्कुल आसानी होगी। तो बिल्कुल HD क्वालिटी की फ़ोटो लें। और मैं यहाँ पे नॉर्मल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, जो अप्सरा का है। तो आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल का यूज कर सकते हैं आउटलाइन के लिए, और एक कटर और एक रबर का जो मिटाने के लिए, और स्केल का तो यूज करना ही है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो स्केल से हम ड्रॉ करने वाले हैं ड्राइंग को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो इससे आसानी होती है ड्राइंग को बनाने में। तो यहाँ पे मैं फोटो को जूम कर लेता हूँ। तो आपको जितनी बड़ी ड्राइंग बनानी है, आप उस हिसाब से जूम कर लें। और हमें सबसे पहले पेंसिल से मेजर करना है कि किस जगह पे हमें ड्राइंग को बनाना है, ऐसा ना हो कि पेपर के बाहर हो। सो इसलिए हमने मेजर कर लिया। और तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आँख से ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आँख की चौड़ाई को इस तरह से नाप लिया है, तो 1 से 2 की चौड़ाई आई है। तो यहाँ पे मैं 1 और 2 पे पॉइंट का थोड़ा सा निशान लगा दूंगा। और फिर इसी तरह से हमें आँख की मोटाई को भी माप लेना है। ये देखिए इस तरह से, तो हमें स्केल को रखना है बिल्कुल, और यहाँ पे 1 से लेके ये देखिए इसकी मोटाई 2 तक आई है। तो यहाँ पे देखिए, हम फिर मोटाई की भी पॉइंट मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और अब हमें बहुत ही आसानी से इसे मिला देना है इस तरह के, इसे हमें बस सारे बिंदु को मिला देना है। तो ये देखिए इस तरह से उनका आँख का जो शेप है वो तैयार हो चुका है। आँख के ऊपर जो काला पार्ट है, उसको मैं आउटलाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ मेजर करके। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिना स्किप करे देखें, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। यदि आपको बिल्कुल भी ड्राइंग बनानी नहीं आती, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आप बिना स्किप करें वीडियो को देखें। और ये देखिए इस तरह से मैंने आपको ड्रॉ कर लिया है, और मैं पेंसिल से मेजर करके उनका एब्रो जो है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, जो आई से थोड़ा सा पीछे हटके है। तो इस तरह से मैंने उनके एब्रो को भी ड्रॉ कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम आई से स्केल से एक सीधा लाइन खींचेंगे, जिससे कि हमारा आई जो है बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ हो, ऊपर नीचे ना हो, इसलिए मैंने स्केल से खींचा। और हम दो आई के बीच जो गैप होता है, उसे मैंने ये देखिए स्केल से मैं मार्किंग किया हूँ यहाँ पे, ये देखिए। और उस तरीके से हमें उतना चौड़ाई कितना है बीच का, वो मैंने मार्किंग कर लिया। तो आपको इसी तरह से मार्किंग करना है। और अब देखिए, हम आँख की पॉइंट मार्किंग कर रहे हैं, जो देखिए 1 से 2.3 के लगभग ही है, 2.3 के। तो यहाँ पे देखिए, मैं 1 से जहाँ पे स्टार्टिंग है, 2.3 पे एक पॉइंट किया, और फिर हम इसी तरह से पॉइंट कर दिए हैं। और हमें बस इस आई के हिसाब से यहाँ पे पॉइंट उनकी मोटाई जो है वो मैंने मार्किंग कर ली है। तो अब हमें बिल्कुल सारे बिंदु को इसी तरीके से मिला देने हैं, और बहुत ही धीरे से हमें इस बिंदु को मिलाना है। और आपको बिल्कुल लाइट आउटलाइन ड्रॉ करनी है। मैं थोड़ी डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में क्लियर दिखे, इसलिए। और ये देखिए, इस आई के अंदर वाले पार्ट को भी मैंने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, और उनका ऊपर आई के ऊपर जो काला आई लाइनर है, उसका मैंने ड्रॉ कर लिया है। और आपको इस तरीके से देखिए, इनका जो दूसरा एब्रो है, ये थोड़ा ऊपर है, तो मैं उसी हिसाब से इस एब्रो को भी ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। और फिर अब हम स्केल से उनके नाक की लंबाई को माप लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 पे रख रहा हूँ, ये देखिए। तो ये 3 से ये देखिए 1
1.5 पे है। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 पे मार्किंग करूँगा और फिर 1.5 पे मार्किंग करूँगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। और फिर हमें नाक की जो चौड़ाई है वो देखिए आई के हल्का सा आँख के कोना को हल्का सा काट रही है, तो मैं वहीं पे स्केल रख के देखिए ड्राइंग पे पहले मैं स्केल रखा और फिर यहाँ पे रख के इस तरह से एक छोटा सा लाइन खींच दिया। और फिर देखिए दूसरे साइड भी इसी तरह से मैं रख के यहाँ पे देखिए इस तरह से मेजर करके एक और लाइन खींच लिया जो उनकी चौड़ाई का हो पता चल गया हमें। और अब हम इसी के अंदर नाक को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें बिल्कुल ड्राइंग को मेजर करके ड्रॉ करते जाना है और आप जितना टाइम देंगे आउटलाइन में तो उतना परफेक्ट आउटलाइन बनेगा। ये देखिए तो नोज ड्रॉ हो चुका है इस तरीके से। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है आउटलाइन ड्रॉ करने में, बट यदि आप डेली एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ होगी। इस तरीके से देखिए मैंने नोज को ड्रॉ कर लिया। और हम फिर इस तरह से देखिए लिप की जो चौड़ाई है उनके होंठ की, तो वो देखिए मैंने साइड से इसी तरह से स्केल रख के मैंने यहाँ पे रखा। और ये देखिए वो आँख के बीचों बीच उनकी चौड़ाई जा रही है। तो देखिए वहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्किंग कर ली। और फिर राइट साइड भी मैंने उसी तरह से स्केल रख के वो देखिए आँख के ये थोड़ा सा वो बीच में ले रहा था बट ये थोड़ा सा ले रहा है आँख को, तो वहाँ पे मैंने ये देखिए लिप्स को कर लिया। तो इस तरीके से। और अब हम नाक के नीचे से जो उनके होंठ के बीच की जो दूरी है उसको यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्किंग कर लिया। और इस तरह से मैं यहाँ पे ड्राइंग पे रख के यहाँ पे पॉइंट मार्किंग हमने कर लिया है। और इस तरीके से देखिए सारे पॉइंट हो गए हैं। अब हमें सारे पॉइंट को इस तरीके से मिला देना है। सबसे पहले मैं बीच वाले जो उनका भाग है लिप्स का उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से देखिए। और फिर हम ऊपर के इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ऊपर वाले लिप्स को। तो बिल्कुल हमें ड्राइंग को बिल्कुल ध्यान दे के ड्रॉ करना है। जल्दी में हमें आउटलाइन ड्रॉ नहीं करना, बिल्कुल ऑब्जर्व करके ड्राइंग को हमें ड्रॉ करते जाना है। देखिए यहाँ पे लिप्स तैयार हो गया। और यदि थोड़ी मिस्टेक हो जाए आउटलाइन में तो आप थोड़ा सा इरेजर का यूज कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि कम से कम इरेजर का यूज करें। और इस तरीके से देखिए मैं फेस के शेप जो है उनका उसे ड्रॉ कर रहा हूँ मेजर से, तो मेजर से ही मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से उनका जो ये गाल का जो साइड है हल्का यहाँ से वी शेप में है, तो उस तरीके से मैं यहाँ पे दिया हूँ। और फिर हम स्केल से नोज से उनके हेयर के बीच की जो दूरी है वो देखिए 3 तक थी एक से, तो मैंने वहाँ पे पॉइंट मार्किंग करके इस तरीके से यहाँ पे देखिए मिला दिया है हेयर से, वहाँ पे मैं मिला दूंगा इस तरीके से। तो बड़े ही आसानी से उनका देखिए फेस बन गया है। और हम इसी तरीके से मेजर करके ऊपर का उनका जो सर उसे मैं बना रहा हूँ। और यहाँ भी मैं स्केल से नाप लेता हूँ कि कितनी दूरी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने नाप लेके हेयर को इस तरीके से मैंने मिला दिया। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रही है। और अब हम इसी तरीके से उनका हेयर को ड्रॉ कर लेंगे। तो जिस शेप में हेयर है उसी तरीके से, और कान उनका ढका हुआ हेयर से तो मैंने इसलिए कान को ड्रॉ नहीं किया। तो आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग कौन सा शेप कहाँ पे है उस तरह से ड्रॉ करते जाना है बिल्कुल आराम से। आप जितना ज़्यादा धीरे धीरे ड्राइंग को बनाएंगे उतना परफेक्ट ड्राइंग बनेगी। इस तरीके से देखिए मैंने हेयर को ड्रॉ कर लिया और दूसरे साइड के हेयर को भी हमें इसी तरीके से ड्रॉ करते जाना है। और मैं यहाँ पे पेपर नॉर्मली प्रिंट का पेपर यूज किया हूँ जो बेसिकली 2 रुपये पीस करके आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो आप प्रैक्टिस के लिए इस पेपर का यूज कर सकते हैं।
मैं इसी पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे हेयर ड्रॉ कर लिए इस तरीके से। तो हमें बस ड्राइंग को इसी तरीके से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करनी है, और उनका जो हाथ का जो शेप है वो देखिए मैं दे रहा हूँ, और फिर उनका ड्रेस देखिए भी शेप में है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे देखिए मेजर करके दे रहा हूँ। देखिए उनका ड्रेस इस तरीके से बन गया, और थोड़ा सा उनका हाथ भी है तो वो भी मैं दे देता हूँ। ये देखिए जो हेयर में थोड़ा सा ढका हुआ है और इस तरीके से, और ये देखिए थोड़ा सा वो शेडो दिख रहा था, मैंने वो दे दिया। तो आप इस ट्रिक का यूज करके बिल्कुल परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप ये डेली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आउटलाइन परफेक्ट ड्रॉ होने लगेगी, देखिए इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा इस वीडियो से। तो यदि आपको जरा भी अच्छी लगी वीडियो तो आप लगी तो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और आपको यदि कोई दिक्कत आई तो भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।